हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को ईद मुबारक। तो अभी हो चुकी है सुबह और अभी जो है नमाज का वक्त हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले नहाने, फिर उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ आगे आज का ब्लॉग। तो फिलहाल अभी तो सभी सो रहे हैं, पापा मैं उठ गया हूँ, अम्मी और सभी सो रहे हैं। तो अभी मैं नहाने नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये है मेरा इस ईद का आउटफिट, की अलग कुर्ता पैजामा है ये। तो फिलहाल चलिए पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और इधर हाफिज़ जी फातिहा दे रहे हैं। गाइस, मैं भी आया था मस्जिद में फजर की कज़ा पढ़ने। अभी चलते हैं हम लोग मस्जिद, और ये आ गए हैं बच्चे ऊपर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारी मस्जिद में 8 बजे नमाज है और हम लोग तैयार हो चुके हैं, लेकिन हम लोग को जाना है ईदगाह। तो ये लोग अभी तैयार होके आ चुके हैं। अनस वज़ू बना रहा है, तो अनस वज़ू बना के आ जाए, फिर हम लोग चलते हैं। पानी गिर गया है, चलो चलो दिखाओ। तो अभी धूप निकल गई है यार। यार मस्जिद में भी नमाज है वैसे। आज हमारा और आपका मामला क्या है? मामला क्या है? क्या क्या है मामला? तो ये गाइस अ गुड्डू मुस्लिम, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये लोग जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। सभी का लगे फंगल हो जाएगा। लोग यहाँ ईदगाह आ गए, अभी आजम गया है वुजू बनाने। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت। तो ईदगाह भैया भर चुका है, ईदगाह के बगल वाली मैदान पूरा भर चुका है। तो अब ईदगाह के अगल बगल वाली जो हाँ गली है, जो रोड है, उसमें हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نالا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ ईदगाह वाले कब्रिस्तान में आ गए। यहाँ पे हमने फातिहा पढ़ा और उसके बाद फिर हम रवाना हुए घर के लिए। अपने दादा दादी बड़ी अम्मी बड़े वो अपने ख़ानदान वाले कब्रिस्तान में। ये है अपनी तकिया कब्रिस्तान। इसका एक रास्ता इधर से निकल के, एक रास्ता उधर से है, और ये बिल्कुल पार्क जैसा अपना कब्रिस्तान है। और ये है रेलवे और ब्रिज, उसके बगल है अपना घर। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं अपनों के कब्र पे फातिहा पढ़ने। और यहाँ ईद की सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद पापा और अनस ईद एसी का जो है फ़िल्टर वो काम नहीं कर रहा, तो मतलब गंदा बहुत हो गया, तो उसको साफ़ कर कर उसको लगा कर उसको ठीक कर रहे थे। अभी देखिए राज और फिरानी पी गए, तो ईदिया देते हो कि नहीं? यह है मेरा ईद रूटीन। सारे पर्दे चादरें इनको जो है वॉशिंग मशीन के लिए जो है रखना है धुलने के लिए। हाँ, तो इधर लगाना था मेज, ये है सोफ़ा,
लेकिन ना मेज मिला ना कारपेट मिला। कारपेट हम लोग को जहाँ पसंद आया था वो वहाँ से दुकान चली जा चुकी थी। मेज पापा कल लाने कहे थे वो लेके आए नहीं, इसलिए यहाँ तखत पे जो है सारा नाश्ता लगा दिया है। इधर है ये मटर चाट, इधर ये दही फुल्की, और ये है सेवई, और ये है दही बड़ा। बस इधर जो है डिस्पोजल का ग्लास कप, ये नहीं ग्लास और ये कटोरी चम्मच रखी है, क्योंकि कोई धुलने वाला मेरे घर में है नहीं जो बार बार धुले सारी कटोरियाँ, इस वजह से इसको तो रखा जाता है। क्या खाओगी? तो हमारे घर के पास एक नेपाली फैमिली रहती है, वो यहाँ पे मोमोज सेल करते हैं। तो उनकी फैमिली आई थी और उनके बच्चे थे छोटे छोटे, एक दीपशिका और एक कृष्णा। एक मोमोज वाली आंटी है, उनकी लड़की है ये दीपशिका, ये नेपाल से है ना। हाँ बोलो कुछ 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 इसको हिंदी नहीं आती है तो इसे जो भी बोलो। और आज ईद है ना, तो ये लोग आए हैं यहाँ पे अपने पापा के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ। और ये है बुढ़ा सुभान बुढ़ऊ, और एक ये छोटा मोमोज है। तुम्हारा कजन है वो दोस्त पगलू। घर का टूर ले रही है अकेले ही, बहुत ही चुलबुली है ये, पूरा घर का एक एक कोना ये घूम कर आ गई। तो मैं फोन चला रहा था, ये आ गई रील्स देखने, रील्स चला रहा था इंस्टाग्राम पे, तो शर्मा आ रही है। तो जोहर की नमाज़ पढ़कर मैं आ गया हूँ घर, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही, पैर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि रात भर कल सोया नहीं, आज भी नहीं सोया। तो अभी मैं सोऊंगा, फिर भी जब उठूंगा फिर देखा जाएगा। और इधर राजू भी आराम से अकेले सो रहा है, अपना अंगड़ाई देखो ले रहा है। आज हमारे गैस ने जवाब दे दिया, रमज़ान से पहले हमने सिलेंडर को लिया था, पूरा रमज़ान इसने साथ दिया हम लोगों का, तो पूरे 2 महीने ये चली, और आज ये ईद वाले दिन ये ख़त्म हुई। बहुत ही अच्छा चला ये गैस। और मैं सो गया था, और अभी जो है धूप देखिए कितनी अच्छी निकली है, और बारिश हो रही है, यहाँ भी बहुत गर्मी है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इतनी ज़ोर की धूप, और बारिश भी हो रही तेज़। शाम को हम रात निकले हैं घूमने के लिए, और यहाँ कुछ खास भाई नहीं, सुल्तानपुर में घूमने के लिए, तो भाई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट के नीचे 8 रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो है ऑर्डर की खाने के लिए, और वो जैसा उन्होंने दिखाया था वैसा तो था नहीं, जैसा मेन्यू में दिखा हुआ था वैसा था नहीं है। तो भाई साहब इन्होंने जो है हैदराबादी बिरयानी के नाम पे हमें वेज बिरयानी परोस दी है अब क्या ही बोले। तो हम लोग ने अभी एक ट्राई किया तो बहुत अच्छा थी, तब ये ट्राई कर रहे हैं भाई। इसका नाम है यार, क्या नाम है इसका, नाम भी पता नहीं क्या है, कहते हम लोग स्टूडियो को स्टूडियो। तो गाइस रेस्टोरेंट से निकलने बाद हम लोग मॉल गए, वहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं सीधा नुमाइश खुर्शीद क्लब, जो अभी नई आई है बिल्कुल लगी है, तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ। अभी अंदर जाएगी कटिया बहुत से, तो ये किड्स सेक्शन था जहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स लगे थे, और बड़ों के लिए इसके बाहर लगा हुआ था ये सब है। और ये दुबई थीम है, तो यहाँ पे दुबई का वर्ल्ड थीम है, दुनिया भर की मशहूर चीज़ें यहाँ पे उसी कॉपी करके बनाई है यहाँ पे। तो नुमाइश से निकलने के बाद हम सीधा घर की तरफ चल दिए, क्योंकि घर पे किसी को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पर हैं, इसलिए जल्दी से घर पहुँच गए। फिर रिंग लाइट के आगे जैनब एकदम चिपक गई, बेचारी रो रही है कि इसकी एक भी फोटो नहीं खींची। वो इसको फोटो खींचने का तरीका नहीं है, कौन पोज बनाता है ऐसे, वो
बेचारी इसका ये फोन जो है हैंग कर रहा है, ये इसका फोन चल नहीं रहा इस वजह से। तो इधर अभी चल रहा है फोटो शूट। वैसे पापा के साथ फैमिली फोटो हो गई है, लेकिन अभी फिर भी वही इधर। तो फैमिली फ़ोटो होने के बाद, खूब सारी रील्स और वीडियोस बनाने के बाद, फिर हम यहाँ पे बैठ गए डिनर करने के लिए। सब यहाँ बैठ के अच्छे से खाना खाया। फिर उसके बाद ये लोग भी, इनको, इन लोगों को भी जाना है अपने अपने घर। यार लाइट जल रही है, तो गाइस ये लोग जा रहे हैं, कल मिलते हैं। हम लोग मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और किसके घर पे? इन्वाइट करो सबको फिर से। चलो शुरू, आप सबको मेरे घर आना है, सारे लोग मत आइएगा, बस अमन भाई आएंगे और कोई नहीं आएगा। अमन भाई की फैमिली, अमन भाई की फैमिली, किसी को बुलाएंगे नहीं। जय गाइस, सब लोग गए अपने अपने घर और आज की ईद का ये दिन हो गया ख़त्म। बज गए 12:30। तो ये ब्लॉग, आज का ईद का जो ब्लॉग है, ये यहीं तक। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।